भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। बताया जाता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही इज्तिमा होता है। भोपाल के इज्तिमे में विदेशी जमातें भी शामिल होती रही हैं, लेकिन कोरोना के कारण इस बार विदेशी जमातें शामिल नहीं हो सकी हैं। इज्तिमा के 73वें साल के इतिहास में पहली बार होगा। इसमें विदेशी यानी कि अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नामीबिया, जर्मनी आदि देशों की जमातें शामिल नहीं हुई है। तमाम देशों में संक्रमित करने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी जमातों को इस बार नहीं बुलाया गया है। इस बार देश भर से जमातें पहुंची हैं और 4 दिन तक होने वाली तकरीर और दुआओं में शामिल हुई हैं। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश। इस्तेमा में इस बार सभी एंट्री गेट पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं दी जा रही है। पॉलिथिन, बीड़ी सिगरेट के इंतजाम पर भी पाबंदी लगी हुई है। इस बार नॉन वेज फ्री रखा गया है। 21 नंबर को इस्तेमा की आखिरी नमाज और दुआ होगी। सामूहिक दुआ के बाद इस्तेमा का होगा समापन। इस्तेमा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है। 4 अलग अलग जगह तय की गई हैं। बाहरी बसें और शहरी गाड़ियों के लिए अलग अलग रूट प्लान। इस्तेमा में पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। आज भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था के रूट बदले हैं। भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। भारी माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस्तेमा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना है। भोपाल में इस्तेमा की शुरुआत 1947 में मस्जिद शकूर खां में महज 12 या 14 लोगों के साथ की गई थी। इसके 2 साल बाद इसे काजुल मसाजिद में किया जाने लगा। कि आने वाले लोगों की संख्या लाखों में होने लगी और मस्जिद कैंपस छोटा पड़ने लगा। फिर से साल 2015 में बैरसिया रोड स्थित ईटखेड़ी के पास घासीपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये यहीं पे लगाया जा रहा है। इसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इस बार भी सारे इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोग बड़ी संख्या में अपने वाहनों से या अपनी सुविधाओं के अनुसार इस्तेमा में पहुंचे हैं। भोपाल के ईटखेड़ी में 18 नवंबर से शुरू हुआ 73वां इस्तेमा 21 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर उलेमाओं की तकरीर हुई। 4 दिनों में 10 लाख लोगों से अधिक जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां भी उसी हिसाब से की गई हैं। इस्तेमा में 300 एकड़ में बड़े पंडाल बने हैं। यूं कहें कि मिनी शहर बसाया गया है। 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। 4,500 टॉयलेट और 17,000 लोगों के एक साथ वजू करने की व्यवस्था की गई है। कोरोना के चलते इस्तेमा का आयोजन नहीं हो सका था। 2 साल बाद 73वां इस्तेमा हो रहा है। इस्तेमा में सुबह से लेकर देर रात तक उलेमा जमातों को संदेश दे रहे हैं। इस्तेमा खत्म हो जाने के बाद जमातें देश भर के कई हिस्सों में रवाना होगी और उलेमाओं से मिले संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी। इसमें हिदायत दी गई है कि इंसानियत से नाता जोड़ें, गरीब, कमजोर और दिव्यांगों की सेवा करें, बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करें, मन में करुणा रखें। इस्तेमा में 300 एकड़ में बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जहां पर जमातें ठहरी हैं। यहां पर कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर ईटखेड़ी तक पुलिस के साथ वॉलंटियर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। 45 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं यहां करीब 13,000 वॉलंटियर सेवाएं दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार नॉन वेज फ्री रखा गया है। पूरे इस्तेमा में 7,000 डस्टबिन रखने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सफाई रखे जाने के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गीला और सूखा कचरा रखने की व्यवस्था अलग की गई है। वहीं बार बार सफाई भी की जा रही है ताकि इस्तेमा स्थल साफ सुथरा रहे। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर छोटा बड़ा कारोबारी, आम बंदे सभी सेवा के लिए डटे हुए हैं। यहाँ 6 किलोमीटर में सीवेज लाइन बिछाई गई है। आखिरी दिन इसे व्यवस्थित तरीके से हटाया जाएगा। 6 सेप्टिक टैंक भी बनाए गए हैं। 5 फायर ब्रिगेड, 6 बुलेट प्रूफ फायर ब्रिगेड तैयार हैं। साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें भी तैनात हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। मेन एंट्री पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। MKN न्यूज की विशेष रिपोर्ट।